और कमी ये है, मैंने काफी बार देखा, जैसे कल मैं मॉर्निंग में आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे जाम लगा हुआ है। अब मैंने देखा जाम लगा हुआ है, कोई बात हो गई है शायद, तो देखा तो मैंने दो तीन मतलब पशु बीच सड़क पे यहाँ पे घूम रहे थे। अब वो उस वजह से दिक्कत हो रही थी, उस वजह से जाम लगा हुआ था। मैंने काफी बार देखा है शाम को मैं जाता हूँ, मतलब गाड़ियों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पे भी ना स्पीड जो स्पीड बर्नर होता है, जो स्पीड चेक करता है ना पुलिस, वो भी यहाँ पे लगना चाहिए शाम को। इतनी इतने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, डेली का काम है मेरा, डेली का रूट है, मैं जो है जॉब करता हूँ अभी, डेली का रूटीन है, जब भी मैं जाता हूँ एक दो एक्सीडेंट रहते ही है यहाँ। एक्सीडेंट हुआ है अभी, उनसे क्रेन वालों से बात हुई है, उन्होंने ड्राइवर से पूछा होगा तो ड्राइवर ने कहा कि स्टीयरिंग जाम हो गया, जिसकी वजह से उसने और लोगों को बचाने की वजह से गाड़ी उधर मोड़ दी। अच्छा, अगर स्टीयरिंग जाम है तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टीयरिंग फिर घूम कैसे गया, है ना, वो राइट में घूमा है अगर स्टीयरिंग जाम हुआ है तो। वैसे एक्सीडेंट मैंने देखा नहीं है, अदरवाइज मोस्टली एक्सीडेंट यहाँ पे या तो बहुत तेज ड्राइविंग से होते हैं, जैसे गाड़ी वाले चलते हैं तो बाइक वालों को तो मार ही जाते हैं, वो तो गाड़ी वाले तो ऐसे समझते हैं कि बाइक वाले कुछ है ही नहीं और मोस्टली लोग बाइक पे ही सवारी करते हैं, या फिर यहाँ पे जो है पशु बहुत ज्यादा काफी मॉर्निंग में भी घूमते हुए देखते हैं, वो भी काफी एक्सीडेंट करवा देते हैं, जैसे फरीदाबाद के बाईपास पे करवाते हैं, तो यहाँ पे भी मोस्टली एक्सीडेंट तेज रफ्तार से और पशुओं की वजह से होते हैं, कोई मतलब रोकथाम नहीं है यहाँ पे। रुकते नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये रुकते नहीं है जी, जैसे ये रेलिंग वगैरह टूट गया तो कहीं से निकल जाएंगे, या यहाँ से खुली हुई है तो यहाँ से भी पशु आ जाते हैं, तो पशु आने से सबसे ज्यादा मोस्टली एक्सीडेंट पशु से, और जो गाड़ियां काफी तेज चलती हैं उनसे एक्सीडेंट होता है। तो बीच में तो कोई बैरियर है नहीं पुलिस का जिससे बंदे को रोक ले, भाई इतनी तेज क्यों जा रहा है, लोग बाइक पे भी जा रहे हैं, बट कोई रोकथाम नहीं है, मतलब कर ही जाते हैं जी एक्सीडेंट। यहाँ पे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं मैडम, डेली का काम है एक्सीडेंट का, तो क्योंकि मेरा यही रूट है, यही इसी रूट से जाता आता रहता हूँ, डेली एक्सीडेंट होते ही होते हैं। एक्सीडेंट है ये तो दिन में हुआ, 2 बजे करीब हुआ मैडम। ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये मैंने एक्चुअली में देखा नहीं है, बट मोस्टली जो मैं देख पा रहा हूँ, जिस वजह से मैंने देख जो एक्सीडेंट देखे हैं लाइव, वो तेज रफ्तार से गाड़ियां इतनी स्पीड में जाती है यहाँ से, आप अगर इवनिंग में 8 से 9 बजे के बाद आएंगे ना, आप एक बार आगे खड़ा हो जाइए, आपको ये लगेगा कि बहुत ही मुश्किल से लोग बचते हैं, अगर बाइक पे जा रहे तो बाइक वाले को तो कुछ समझते ही नहीं है, टक्कर मार के निकल जाते हैं गाड़ी वाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने देखा ये एक्सीडेंट होते हुए? आप देख सकते हैं एक्सीडेंट के, आकाश जी ने बताया कि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और तेज रफ्तार, कहीं ना कहीं तेज रफ्तार पे अंकुश लगाना चाहिए। बिल्कुल तेज रफ्तार पे अंकुश लगाना चाहिए मैडम, लोग अपने घर से दिल्ली में गुड़गांव में जगह जगह पे होता है कि यहाँ इस स्पीड से ज्यादा पे नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल मैडम, सबसे ज्यादा ना यहाँ पे जैसे दिल्ली में लगे होते हैं कि कुछ ना कुछ चीज ऐसी, जैसे गवर्नमेंट आजकल लगा रही है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे 40 से 50 की स्पीड होनी चाहिए, कि गाड़ी कैच कर ले और तुरंत उनके यहाँ पे चालान भेज दे, अगर ऐसा होने लगा तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होंगे। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ड्रिंकिंग के होते हैं, जो इवनिंग में आके पी के लोग चलाते हैं, देख सकते हैं आप, रात में ड्रिंक कर कर यहाँ पे सबसे ज्यादा, जैसे कहा जा रहा है कि ड्रिंक करके लोग यहाँ ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, और आज भी ये एक एक्सीडेंट है, दिन में 2 बजे करीब एक्सीडेंट हुआ है। एक चीज और है मैडम जी, सबसे मेन चीज, एक चीज मुझे और थोड़ी सी याद आई है, कोई भी बंदा गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे चला जाता है, जैसे गाड़ी खड़ी कर ली और बंदा टॉयलेट करने लगा, बंदा हाईवे पे मैडम, बंदा गाड़ी खड़ी कर रखी है टॉयलेट करने लगा यहीं पे, आप देखोगे रास्ते में जाओगे रोड पे भी बियर आपको रखी हुई मिलेंगी, बियर पड़ी हुई मिलेंगी, आप देखोगे अब सामने से बंदा आ रहा है किस स्पीड में अचानक से, तो वैसे भी गाड़ी से टकरा जाते हैं काफी लोग, या गाड़ी से नहीं भी टकराते तो एकदम से ब्रेक लगती है, बंदा खुद भी गिर जाता है, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रशासन को चाहिए कि शाम को यहाँ पे जैसे वो पेट्रोलिंग करते हैं तो उस हिसाब से पेट्रोलिंग करें, अपने आप ही एक्सीडेंट में कमी आएगी, 100% श्योर है मैम। मतलब ये सड़क है, गाड़ी रोकी यहाँ पे, सामने ऑटो खड़ा है अभी, ये सामने अब किस लिए खड़ा है, इससे आगे वाला कह रहा हूँ मैं, देखो सामने वो, सामने जो ग्रीन कलर का खड़ा है आप देखिए, आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, अब हाईवे पे भाई आप कैसे खड़ा कर सकते हो भाई, आपको लगाना बराबर में लगाओ लगाएं। हाँ, आप उन्होंने बेशक सर्विस, मैडम हाईवे पे तो कोई चीज खड़ी ही नहीं हो सकती, मेरा मानना है, अगर ये वाली नहीं मैडम, सामने बिल्कुल सामने खड़ा, इसी हाईवे पे खड़ा है, इसी पे खड़ा है, उन्हीं की मैं कह रही हूँ, ये हाईवे पे आप देख सकते हैं, हाईवे पे ऑटो खड़ा करके, और चला गया चालक, चला गया, हाँ जी चालक चला गया बिल्कुल, ये आप नाइट में आके देखोगे तो नाइट में तो गाड़ियां भी खड़ी हो जाती है ऐसे ही, आप देखोगे पुल से, कोई बंदा पुल से गाड़ी से आएगा
तो बीच में से यू टर्न करने लगा। ऑटो वाले हैं, ऑटो वालों का कोई मतलब नहीं है, ऑटो वाले एकदम से घुमा देते, कोई बाइक पे आ रहा है। ये तो मेरे साथ भी दुर्घटना हुई है कि बीच उस पे हाईवे से ऑटो वाले ने घुमा के नीलम के यहाँ से ले लिया। मतलब कितनी बड़ी दिक्कत है, कोई गाड़ी में आ रहा होता कुछ भी, तो कोई भी एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता, एक्सीडेंट होता ही होता 100%। रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे, ट्रैफिक रूल्स जो है बिल्कुल भी रूल्स फॉलो नहीं है। किसी का मन चाहे हाईवे से गाड़ी मोड़ देगा, बाइक को मोड़ देगा या गाड़ियों को मोड़ देगा, कोई भी कोई रूल्स वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं है यहाँ पे। और इस वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं मैडम यहाँ पे। तो ये सरेआम जैसे गाड़ियाँ रुकती है, पुलिस वगैरह कुछ नहीं कहती आगे? ना, कोई मतलब ही नहीं है मैडम। हम देखते हैं शाम को, दो चार दिन पहले देखे थे, पुल पे खड़े थे बंदे और बियर पी रहे थे आराम से। मैंने उन्होंने बियर रखे गए हैं, वो ऑटो जिसका मन करता है ऑटो खड़ा हो जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, कोई भी चीज खड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी इवनिंग में करके देखिए, यहीं पुल पे खड़े होकर बियर पी। मैडम पुल पे मैंने देखा उनको, वहाँ पे उन्होंने बियर रखी है, बियर पिए और बियर रख के और निकल गए हैं। वो बोतल वहीं छोड़ गए हैं, कांच की बोतल थी, मैंने खुद देखा है उनको इस चीज से। तो ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इस हाईवे पे हो रही है। अगर प्रशासन यहाँ पे चालान का लगा दे तो 40-50 तक कम से कम स्पीड हो, क्योंकि आप देख रहे हो, अब भी देख लो कितनी क्राउड है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो मैडम। हाईवे स्पीड तो ज्यादा रहती है, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि वाहन रोक कर लोग यहाँ टॉयलेट करने चले जाते हैं हाईवे पर, कोई ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, ये तो टॉयलेट करने चले जाते हैं, गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं लोग, ठीक है, आगे भी खड़ी कर लेते हैं। हमें तो शाम को हम जाते हैं घर पे, बाइक से ही जाते हैं, कभी कभार गाड़ी भी लाते हैं। तो हमने ये चीज यहाँ पे नोट करी है। मैंने जैसे आपको ऑटो का बताया, ऑटो ने बीच में से ही मोड़ दिया और काफी बाइकें आ रही थी उस टाइम। वो तो चलो बाइक मॉर्निंग का टाइम है, सर्दी का टाइम है, तेज चलाते नहीं है। अगर तो कोई बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा होता मैडम, बिल्कुल आधे एक्सीडेंट तो ये ऑटो वाले भी करा देते हैं। रोड पे जा रहे हैं, एकदम से ऑटो रोक दिया, अब बंदा पीछे आ रहा है, एकदम से कहाँ से ब्रेक मारेगा मैडम बाइक वाला ना। तो इस चीज की प्रॉब्लम इस हाईवे पे अब हो रही है बहुत ज्यादा। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, एक जागरूक नागरिक हैं आकाश जी, और काफी बातों को उन्होंने सामने रखा है, और जिस पर पुलिस को ध्यान देना चाहिए ताकि जो आए दिन हादसे यहाँ पर होते हैं उन हादसों में कमी आ सके। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।